हेलो फ्रेंड्स, दिस इज क्लैरिसा फ्रॉम क्लैरिसास क्रिएशंस एंड आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल भाजी कैबेज चना दाल। जो दाल जो है वो एक पौष्टिक आहार होती है, रिच इन प्रोटीन, एंड कैबेज हम सैलड वाइज भी यूज कर सकते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन करके हम एक सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो चलो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स है। तो लेट्स बिगिन विद द रेसिपी। तो हमने लिया है कैबेज, ये अराउंड 600 ग्राम्स कैबेज है। वेट वाइज मैंने वेट कर लिया है किचन स्केल की मदद से, तो ये 600 ग्राम है। आपको कम ज़्यादा आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हो। साथ में ये मैंने आधा कप चना दाल ली थी, जिसे मैंने आधे घंटे पहले भिगो के रखी है और ये अच्छे से अब फूल गई है। आपके पास अगर टाइम हो तो अच्छे से 3-4 घंटे पहले भिगो के रखिए। ये अब डबल क्वांटिटी हो गई, आधा कप रखा था तो ऑलमोस्ट 1 कप जितनी होने आई। साथ में हमें लगने वाला है, तड़के में राई डालेंगे हम। 1 टेबलस्पून राई ली है, 1/4 भर के हींग ली है, आधा टीस्पून जितना भुना हुआ जीरा लिया है मैंने, नमक टेस्ट प्रमाण, आपकी क्वांटिटी के प्रमाण आपको लेना है सब्जी कितनी है, तीखा आप जितना पसंद करते हो उतना। 2 बड़े प्याज लिए हैं मैंने, जिसे बारीक चॉप कर लिए है। 7 से 8 लहसुन की कलियां ली है, उसे भी चॉप कर ली है रफली। और यहाँ पर 2 बड़ी डंखा स्टिक पूरे कड़ी पत्ता ले लिया है, उसको भी धोकर रख दिया है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। कढ़ाई रख दिए, मैं गैस स्टार्ट कर रही हूँ, इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। आपको जो ब्रांड पसंद है आप ऐड कर सकते हो ऑयल में। ऑयल हम लगभग 3 से 4 टेबलस्पून जितना डालेंगे और अच्छे से इसे गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म होने आया है, इस स्टेज पे हम ये राई जीरा और हींग ऐड कर देंगे और राई का तड़कने देने तक वेट करते हैं अच्छे से ये फूट जाए। तो हमारी मोरी, हमारी राई जो है वो अच्छे से तड़क रही है इस स्टेज पे। अब हम इसमें लहसुन जो हमने चॉप किया था और करी लीव्स वो ऐड कर देंगे। गैस की फ्लेम एकदम लो टू मीडियम होनी चाहिए। हमें लहसुन को ब्राउन नहीं करना है, वाइट ही रखना है, बस ये सॉटे हो जाए, क्योंकि ये प्याज के साथ पक जाएंगे। इसमें अनियन ऐड कर देते हैं, ग्रीन चिलीज ऐड कर देते हैं और अच्छे से इसे सॉटे करेंगे। ज़्यादा ब्राउन नहीं होने देना है। वैसे इस स्टेज पे हम 1/2 टीस्पून जितने हल्दी और हमारा सॉल्ट ऐड कर देंगे। बाद में आप सीजनिंग चेक कर सकते हो, अगर आपको लगता है कम है तो आप ऐड कर सकते हो, लेकिन पहले ज़्यादा मत डालिए। बस मिक्स कर लेंगे और अब 1-2 मिनट के बाद इसमें हम ये चना दाल ऐड कर देंगे। इसमें हमें पानी नहीं ऐड करना है, बस हमें फ्लेम स्लो कर देनी है और ढककर इसे 5 मिनट के लिए पकने देंगे, या तब तक जब तक हमारी दाल नरम ना हो जाए। तो जब तक हमारी दाल पक रही है मैं अपनी कैबेज को कट कर लेती हूँ और इसे 2-3 पानी से धो लेती हूँ। तो आपको जैसे कट करना है आप कट कर सकते हो, मुझे पतला पतला पसंद है इसलिए मैं इस तरह से ये स्लाइस कट करूँगी घुमाते घुमाते, ताकि हमें एक प्रॉपर पतली पतली लच्छेदार जैसी कैबेज कट करके मिल जाए। तो मैंने 1/2 कैबेज अभी कट कर लिया है, मैं इस कंटेनर में ऐड कर देती हूँ। इसी तरह मैं सारा कैबेज कट कर लेती हूँ। तो 5 मिनट के बाद मैं चेक कर लेती हूँ हमारी दाल कितनी कसर अभी उसमें बाकी है पकने के लिए। ये अच्छे से फ्राई हो गई है, बट फिर भी हम इसे चेक कर लेते हैं ताकि पता चल जाए कितनी कच्ची है अभी। और ये टूट रही है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 80% हो गई है।
अब जैसे जैसे हम पत्ता गोभी के साथ इसे पकाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो ये कैबेज मैंने अच्छे से धो लिया है कट करके, इसको ऐड कर देंगे हम। इस स्टेज पे आप नारियल भी डाल सकते हो, ग्रेटेड नारियल जो हमारा फ्रेश रहता है ना नारियल, उसे कद्दूकस कर लो बारीक बारीक, एकदम ग्राइंड करना है तो ग्राइंड कर लो या फिर ग्रेट कर लो और वो ऐड कर दो इसके साथ। और अब इसे हम बाफ पे पकाएंगे और 5 से 8 मिनट तक। एंड साथ ही में हम इसमें ये 1/4 कप जितना धनिया भी ऐड कर देंगे। तो इसे मैं मिक्स कर लूंगी। एकदम धीमे धीमे, इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना है क्योंकि हमारे कैबेज का अब मॉइस्चर रिलीज होगा और उसी में इसे सब्जी को हम पकाएंगे, तब तक जब तक पूरा पानी अच्छे से सूख ना जाए। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए, अब मैं इस पे ढक्कन लगा देती हूँ और इसे लो फ्लेम पे पकने दूंगी। 5 मिनट बाफ देने के बाद चेक कर लेते हैं, इसी के पानी में पक जाती है। एंड देखिए कितना अमेजिंग इसका कलर दिख रहा है। इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है आप देख सकते हैं। ये देखिए पूरी की तरह इसे सूख गई है, ना ज्यादा ऑयली है, बहुत अच्छी है ये सब्जी खाने में। आप प्लेन भी खा सकते हो या फिर रोटी के साथ खा सकते हो। एंड डन, हमारी दाल भी पक चुकी है, सब्जी भी क्रंची है। अब इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। तो हमारी सब्जी बनकर रेडी है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। एंड हमारा चैनल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।